नवाब कपूर सिंह जिन्होंने सिख मिसलों की स्थापना की। सिख मिसलों ने कायम किया एक महान खालसा राज। घोड़िया की लिद चुकन वाला एक नौजवान खालसे पंथ ने उसनू नवाबी दी ते वो बन गया नवाब कपूर सिंह। पंजाब प्रथम तुसी देख रहे हो, मैं तुहाडे नाल मनप्रीत तौलक। सिख इतिहास दे विच बहुत महान योधे होए ने ते उन्हां महान योधियां दे विच्चों एक दी बात अज पावांगे जिसका नाम है नवाब कपूर सिंह। पर उसका पहला नाम कपूर सिंह हुंदा सी। आम निहंग सिंघां दे वांगू एक सिख सीगा ते आम जिंदगी बिताउंदा सी, पर किवें उसके नाम अगे नवाब लग्या अते किवें उसनू बुढ़ा दल का तीजा जथेदार भी कहा जान लग्या, इस दे पिछे एक महान ते वड्डी कहानी है। आओ तुहानू लै चलदे हां 18वीं सदी दे उस सिख इतिहास दे वल। खालसा पंथ जदों वध फुल रहा सी पर जंगलों दे विच जिंदगी कट रहा सी अते मुगलिया सल्तनत दे नक दे विच दम किया होया सी। दिल्ली दरबार के उत्ते भी मुगलों का राज सी ते लाहौर दे विच भी जकरिया खान अपना कहर बरसा रहा सी। पर खालसे दे अगे किन्ना कु चिर टिक पाउंदा? खालसा लगातार उसके उत्ते हमले करता, लुट्टां खोहां करता अते जकरिया खान नू पूरी तरह तंग किया होया सी। हालांकि खालसा उस समय जंगलों दे विच सी, घोड़ियां दीआं काठियां ही उन्हां दे घर सी, उन्हां दे कोल बहुती कोई सहूलत नहीं सी, पर फिर भी वह चढ़ती कला दे विच हमेशा रहिंदा सी। मुगलों के जिहड़े गलत कारनामे हुंदे सी उन्हां दे नक दे विच दम करदा सी, उन्हां नू मिटाउण की पूरी कोशिश करदा सी। इसे गल तो प्रभावित होकर कपूर सिंह नाम का एक नौजवान निहंग सिंघां दे दलां दे विच रहना शुरू कर दिंदा है, उन्हां दी सेवा करदा है। उत्ते जिहड़े घोड़े हुंदे सी जो निहंग सिंह जंगा युद्धां दे विच वरत्या करदे सी, उन्हां दी लिद चुक्किया करदा सी। इत्थे यही काम नूं उह कहिंदा सीगा कि यह बहुत महान काम है, मेरी वड्डी किस्मत है, मेरी चंगी किस्मत है कि मैनू घोड़ियां दी लिद चुक्कण ते निहंग सिंघां ने सेवा लाई है। दूसरे पासे जदों जकरिया खां खालसा पंथ दे अगे हार मान लैंदा है अते उसनूं लगदा है कि जेकर मैं सीधे इदां ही टक्कर लैंदा रहा खालसा पंथ दे नाल तां मेरा अंत बहुत नेड़े है, इस करके उसने भाई सुबेग सिंह नूं बुलाया जिसकी खालसा पंथ दे विच वी बड़ी इज्जत सी ते उह मुगलां दे सरकारी दरबारे काम भी आउंदा रहिंदा सी। उन्होंने भाई सुबेग सिंह नूं कहा कि तुसी खालसा पंथ नूं कहो, निहंग सिंघां नूं कहो कि असीं तुहाडे नाल समझौता करना चाहुंदे हां, सरकार ये फालतू दे जब्बां दे विच नहीं पैना चाहुंदी, तुसी साडी गल मन लवो तां खालसा पंथ उसके बदले जो भी मंगेगा असीं वह देने लई तैयार हाँ। हालांकि भाई सुबेग सिंह ये नहीं सी चाहुंदे कि खालसा पंथ कोई खरैत लवे, पर उन्होंने लग्या कि इस दे नाल जो यह खून खराबा हुंदा है जां नित दा ये जो रौला चल रहा है हो सकता है खत्म हो जाए जां कुछ समय के लिए शांत हो जाए। तो भाई सुबेग सिंह ने कहा कि मैं खाली हथ किवें जावां? तो जकरिया खां कहिंदा खाली हथ नहीं भेजदे, तुहानू बहुत सारिया चीज़ां दे के तोरांगे, नाल एक नवाबी पोशाक भी देवांगे। तो ये सारिया चीज़ां लैके जदों भाई सुबेग सिंह जंगलों के जिते डेरा सीगा निहंग सिंघां दा उत्थे पहुँचते ने तो सब तो पहला वह गुरु महाराज तो माफ़ी मंगते ने, अरदास की जाती है अते उन्हां नूं पंज दातणा की जिहड़ी आ वो सेवा भी लाई जाती है। उस तो बाद भाई सुबेग सिंह ये सारी गलबात उत्थे मौजूद निहंग सिंघां दे नाल करदे ने अते निहंग सिंघां दा जवाब ये सी कि तुहानूं लगता है कि असी यह जकरिया खान के वलों दित्तियां हुई चीज़ां जां उन्हां दे दित्ते हुए तोहफे कबूल कर लवेंगे, कि तुहानूं लगता है कि खालसा पंथ इन्ना नीवा हो जाएगा कि हुण खैरातां लवेगा? पर भाई सुबेग सिंह ने यह अरदास की अते उन्हां नूं हथ जोड़ के बेनती भी की, तुसीं ये सोचो कि ये वो सरकार है, ये वो राजा वा जिहड़ा जुल्म करदा सी, पर अज तुहाडे तों ये माफ़ी मंगन नूं तैयार है, तुहाडे अगे झुक रहा है। तो खालसे पंथ नूं वेला विचारना चाहिए। उस तो बाद खालसा पंथ ने इस दे बारे विचार चर्चा की अते भाई सुबेग सिंह दीआं सारीआं गल्लां मन में लईआं। पर भाई सुबेग सिंह जो नवाबी की एक पोशाक लैके आए थे वह कहें भी ये उन्होंने भेजी है तो इनू भी स्वीकार कर लो,
पर उसनू स्वीकार करन दे लई कोई भी तैयार नहीं सी, क्योंकि निहंग सिंह दा इह कहना सी कि असी इह दुनियावी चीज़ां नहीं लैणियां, सानू तां गुरु महाराज ने पातशाही दावा जिहड़ा वो बख्शिया होया। जेकर अज असी जकरीए खान दे वल्लों भेजी हुई एक ममूली जी नवाबी पोशाक लै लई तां कल नू गुरु महाराज नू की मूंह दिखावांगी। ये सिदक सी, ये दृढ़ सी उस समय दे सिखां दा, उस समय दे निहंग सिंघां दा। हर कोई नवाबी पोशाक नू अते जो चीज़ां भेजियां सी, महंगियां महंगियां चीज़ां भेजियां सी, तां उस नू ठेडे मार रहा सी। कोई भी किसी दे भी मन दे विच भोरा लालच नहीं, कोई भी अजिहियां चीज़ां नू स्वीकार करन दे लई तैयार नहीं सी। पर भाई सुबेक सिंह ने उस समय ये बेनती की निहंग सिंघां अगे कि चाहे किसी नौकर चाकर नू ही दे दो, चाहे कोई घोड़ियां दी लिद चुकण वाला कोई नौजवान है उसनू ये नवाबी दे दो। तो उस समय फिर कपूर सिंह नू बुलाया गया। हालांकि कपूर सिंह भी कहिंदे कि महाराज तुहाडी हरेक गल सिर मत्थे है, पर ये नवाबी पोशाक लैके मैं गुरु महाराज तो मुख नहीं मोड़ सकता। उन्होंने भी ना कर दिती, पर खालसा पंथ ने उसनू समझाया ते कहिंदे ने कि खालसा पंथ दे खालसे दे वचन नहीं टाले जा सकते, उन्होंने ना नहीं की जा सकती। तो इस करके फिर कपूर सिंह दे वल्लों नवाबी पोशाक पहन ली गई अते उस तो बाद उसकी जिंदगी बदल गई। कपूर सिंह जो कि घोड़ियां दी लिद चकदा सी, जदों खालसे पंथ ने वह नवाबी बख्शी, वह नवाबी पोशाक पा के कहिंदे ने कि कपूर सिंह एक वड्डे महाराजे तो भी ज़्यादा सुंदर लगता सी, खूबसूरत लगता सी, उहदे चेहरे ते बहुत नूर आ चुकिया सी। उस तों बाद खालसा पंथ ने उन्होंने अपने नाल रलाया अते अगे अगे जिवें इतिहास तुरिया तां कपूर सिंह जो कि नवाब कपूर सिंह बन चुकिया सी, एक महान योधा ते महान लीडर बन के सामने आया, जिन्हां ने सिख मिसलां दी स्थापना की, दिल्ली राज दे उत्ते जिहड़ा वह खालसाई निशान भी झूलिया, उस दे विच नवाब कपूर सिंह का एक बड़ा हथ रहा। उन्हों की सोच दे करके ही अज एक महान विशाल सिख इतिहास है जिस दे उत्ते असी सारे माण करते हैं। अज की यह वीडियो नवाब कपूर सिंह दे लई सी। सिख इतिहास या दुनिया के इतिहास के विचों इदां दीआं कहानियां तुहाडे तक लैके आउंदे रहांगे। तुसीं जुड़े रहना पंजाब प्रथम दे नाल।